इस कल्चरल प्रस्तुति के बाद एक बेहतर कार्यक्रम रखा गया। हेलो संस्कृति और उपलब्धियों को जानने की एक पहल है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को याद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पावन धरती से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने तो केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद यह बहुत तेजी से और यूपी प्रशासन के प्रयास और शुरू हो गया है। बड़ी योजनाओं से लेकर जनहित की साधारण सुविधाओं में काफी सुधार आया है। मई 2023 का चौथा सप्ताह जम्मू कश्मीर में आशाओं और उमंगों की नई बहार लेकर आया। G20 जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुआ। G20 इवेंट ने साफ साफ दर्शाया श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का कितना योगदान है। जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और लोक संगीत G20 डेलीगेट्स के आकर्षण का केंद्र रहा। समूह की सिफारिशों से जम्मू कश्मीर को पर्यटन और फिल्म क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन मिलने और आर्थिक विकास में भारी मदद मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई चार लेन प्रोजेक्ट और टनल्स का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिसमें 8.45 किलोमीटर ट्विन टू काजीपुर से बानीहाल 3,117 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और श्रीनगर संबल रोड पर जेड मोड टनल, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, इसे 2,378 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वहीं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर रियासी के बगल इलाके में चनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। 2019-20 में PRI चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्रियान्वित किया गया। पंचायत स्तर की विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए यूपी भर में सभी 4,291 पंचायतों के लिए पंचायत पर भारी अधिकारियों को नामांकित किया गया। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के अंतर्गत प्रशासन आम जन के द्वार तक पहुंच गया है, ताकि दारी भर नारायण के संकल्प को चित्रित किया जा सके। बैक टू विलेज के 4 फेज और माई टाउन माई प्राइड के 2 फेज सफल आयोजित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं में काफी सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया, जहां सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 82,22,000 लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया। इसके अलावा अस्पतालों में सुविधाओं में विस्तार किया गया और मेडिकल कॉलेजों में MBBS और MD की सीटों में भी बढ़ोतरी की गई। खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे में काफी सुधार लाया गया। हर जिले में खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और नए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया गया। हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए। जम्मू और श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियमों में फ्लड लाइट्स का प्रबंध किया गया। जम्मू कश्मीर खेल नीति 2022 खेल और फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से सर्वभूमिक कल्याण और फिटनेस निर्धारित करने के लिए एक समावेशी जनादेश का मार्ग प्रशस्त करती है।
जम्मू कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर पंचायत में खेल के मैदानों का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं में खेल की अपार संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में खेल की एक नई क्रांति देखी जा रही है। बुनियादी ढांचे के विकास की ओर गति देने के लिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर कार्य तेज गति से चल रहा है। जम्मू आज देश का एक मात्र शहर है जहां आईआईटी, आईआईएम और एम्स अच्छी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के महत्व को समझाते हुए जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन के प्रयासों से एक नया इंकलाब आ रहा है। शिक्षा के स्तर बढ़ने के साथ साथ यूटी में 50 नए कॉलेज, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। इसके अलावा 1 वर्ष में कॉलेजों की सीटों में 25,000 की बढ़ोतरी की गई। बड़े पैमाने पर कॉलेजों और स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाया गया। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 80,475 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जिससे 6,73,000 औरतों ने लाभ प्राप्त किया। आजादी के अमृत महोत्सव को अधिक से अधिक गांव के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा नाम का एक भव्य कार्यक्रम आजादी के 75 साल बाद पहली बार शुरू किया गया, जिसमें कश्मीरी घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ यूपी के हर क्षेत्र में लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराया और देशभक्ति के गुंजा। श्रीनगर के लाल चौक में पहली बार काफी संख्या में लोगों ने तिरंगा फहराया। सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने के अलावा कई बड़े सरकारी भवनों को रोशनी से चमकाया गया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसका आर्थिक लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए यूटी प्रशासन की तरफ से टूरिस्ट विलेज नाम की एक अनूठी स्कीम को शुरू किया गया, जिसके तहत पर्यटन गांव स्थापित किया गया। इसके तहत गांव के प्राकृतिक माहौल का आनंद लेने के उद्देश्य से वहां कुछ घरों में ठहरकर गांव के शांत वातावरण और सेवा भाव का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। इससे गांव के लोगों में एक नई उमंग और उत्साह पैदा हुआ। श्री अमरनाथ जी यात्रा का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना एक अलग महत्व और आस्था है। इस बार भी अधिक से अधिक यात्रियों के आने को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा की अवधि 2 महीने तक बढ़ा दी गई। वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए गए। जम्मू संभाग से माता वैष्णो देवी यहाँ का एक प्रथम तीर्थ स्थल है। पिछले 4 वर्षों में कालिका भवन की स्थापना भवन के परिसर में की गई है। भवन से भैरव मंदिर तक रोपवे का निर्माण किया गया है। योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने से दुनिया के बहुत से देशों में योग काफी लोकप्रिय हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी उत्साह और खुशी से मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 600 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी है। अब आपको सेवाओं के लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ई उन्नत जन भागीदारी, बीम से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, मोबाइल दोस्त जैसे कई एप्स के माध्यम से हर काम घर बैठे कर सकते हैं। मिशन यूथ के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने के सिलसिले में कई कदम उठाते हैं।
जिसमें विशेष तौर पर स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। PMEGT, PMFME, स्कीमों का फायदा उठाकर बहुत से नौजवान अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों की तकदीर बदलने के लिए किसान संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थलों पर एथनिक वीक का आयोजन किया गया। अपनी कला और संस्कृति को बढ़ाने के मकसद से इस एथनिक वीक में कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आइए हम आने वाले स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अपने गांव की पवित्र माटी हाथ में लेकर या दिल प्रज्वलित करके स्वतंत्र सेनानियों और शहीदों को याद करें, जिनके अथक परिश्रम एवं प्रयासों से आज हम पूर्ण स्वतंत्र। अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अमृतकाल के 5 पर्व जैसे भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत का धन, एकता एकजुटता और नागरिक कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प हमें आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत बना के ही दम देना है। अपनी आंखों के सामने इसे करके ही दिखाना है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आप सबको 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस उत्सव को हर्ष एवं उल्लास से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। की उस गाथा को एक बार फिर पुनर्जीवित करने के लिए, एक बार फिर उस इतिहास को अपने सीने में याद करते हुए, चलिए We salute our Jawans, pay homage to the 527 Shaheed Jawans, and a deep gratitude to the leaders who showed them the measures from their hero. Even the enemy found their hero, as you before Pakistani soldiers. Thank you, 13 JMK Rifles. Thank you. जो कि लखनपुर में, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट पॉइंट पे जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है, ठीक उसी के साथ जो आज लेजर शो हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा, जो हमने फर्स्ट टाइम, मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा लेजर शो पहली बार देखा है। मैंने अपनी लाइफ से पहले कभी ऐसा शो नहीं देखा था। तो जो ये जो सारा क्रेडिट है, मैं चाहता हूँ कि सारा क्रेडिट DC कठुआ को जाएगा, क्योंकि DC कठुआ जी ने आज यहाँ पे प्रोग्राम जो किया है या करवाया है, तो ये हमारे लिए और हमारे जम्मू वासियों के लिए बहुत ही अच्छा एक सुझाव है देखने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, और अब तक 2023 तक जो भी उपलब्धियाँ हुई, जो भी हमारे वीर जवानों ने शहीदियाँ दी, वो सारा का सारा इस लेजर शो में बताया जा रहा है। तो और हमारे यूथ को भी, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आए, उन्होंने भी देखा, क्योंकि
नहीं पता होता था, बच्चों को नहीं बताया जाता था, वो लेजर शो में बताया जा रहा है और दिख रहा है और बच्चे काफ़ी फोकस कर रहे हैं इस चीज़ को। और डीसी साहब की अच्छी जो सोच है और जो केंद्र सरकार द्वारा जो अच्छा मैसेज आया था, जैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया मेरी माटी मेरा देश का भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, पुलिस की तरफ से भी एसएसपी कडुआ साहब का भी धन्यवाद ही करता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही अच्छा मेरे को लगा यहाँ पे देख के। ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर और जिला प्रशासन कठुआ ने आज ये कार्यक्रम जो कराया है, ये हमारे माननीय एलजी साहब के देखरेख में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ है। ये कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो हम मेरी मिट्टी मेरा देश की थीम पे जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन अगले दो दिन चल रहा है और पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, इसमें इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पार्टिसिपेशन बच्चों का और जनरल पब्लिक का हुआ। ये कार्यक्रम हमने लखनपुर में, जो कि गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजित किया और बहुत ही हर्षोल्लास से पब्लिक ने इसमें पार्टिसिपेट करा। इस कार्यक्रम में एक लेज़र शो का आयोजन हुआ। इस लेज़र शो में जम्मू एंड कश्मीर में जो पिछले 3-4 सालों में जो उपलब्धियाँ हुई हैं उनके बारे में विशेष से बताया गया। उसके अलावा हमारे देश की जो आज़ादी की स्ट्रगल रही है, जो जंग रही है, जितने हमारे वीर मार्टियर सेनानी रहे हैं जिनके कारण आज हम इस आज़ाद भारत में की मिट्टी पर रहते हैं, उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया। जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित थे उनको उनकी जीवन गाथा के बारे में बताया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आज होके संपन्न हुआ है। जितने लोग इसके भागीदार बने मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या देखते हैं, कई सारे बदलाव हुए हैं जो कुछ यहाँ पर दिखाया गया, क्या देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से तस्वीर और तकदीर जम्मू कश्मीर की जो है उसमें बदलाव होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुए हैं वो आगे और गति पकड़ेंगे और तेज़ी से वो बदलाव होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक बार जब पूरा सेट हो जाता है उसके बाद में और बदलाव तेज़ी पकड़ के, मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव जैसा कि आज बताया गया, डिजिटल इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री आवास योजना, जितने सारे स्कीम भारत सरकार के जम्मू एंड कश्मीर में लागू हैं वो जम्मू कश्मीर की नॉर्मल आवाम को, नॉर्मल पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए हैं। और आगे मुझे ऐसा लगता है कि और तेज़ी से इन बदलावों को हम लोग आगे देख पाएंगे।